नमस्कार, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह जी। जानते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में यहाँ पर 18वां स्थापना दिवस में आए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं वे गोविंद आचार्य के बारे में। सर एक आपका वाइट चाह रहे थे सर, आपका स्वागत है। हम ये जानेंगे राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन जिस प्रकार से चला रहे हैं गोविंद आचार्य जी, 18वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? एक अद्भुत प्रयास है और आने वाली पीढ़ी को समझ में आएगा कि एक मनुष्य कितना बड़ा एक काम कर गए। अभी लोगों के समझ में नहीं आता है, लेकिन ये आंदोलन जो है ये आने वाली कई पीढ़ियों को एहसास होगा कि ये कितना बड़ा परिवर्तन एक समाज में ला रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी समाज सुधार इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्व एक ख़त्म होने की स्थिति में है। ऐसे में जल, जंगल, जमीन का ये जो कंसेप्ट लाए हैं ये अपने आप में अद्भुत है, और विश्व को अगर बचाना है तो इसमें हमें हर आदमी को पूरी तरह जुड़ना होगा इसके साथ। जी, आम आदमी को जोड़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपने ये समस्याओं को बार बार उठाए। आम आदमी को जोड़ने के लिए हमें उनकी भाषा में बोलना होगा जी। ये क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता कि जल, जंगल, जमीन या पेड़ लगाएं, तो ये उसके समझ में, इसलिए उसकी भाषा में और उसको दूर तक समझाना होगा, तब जाके उसके समझ में जब आएगा। और एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर इसको रोकना मुश्किल होगा और एक बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा जी। आज भारत ने थॉमस कप जीत दिया है बैडमिंटन में, क्या कुछ कहेंगे आप? हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर बैडमिंटन में इतिहास रच दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे याद है कि ये पहली बार हुआ जी थॉमस क्लब में ये जो जीत हुई है ये अपने आप में पहली है, और मुझे लगता है अब हम आने वाले दिनों में इससे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि बैडमिंटन में और इन खेलों में हम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। यहाँ दोस्त एन के सिंह जी जो खास तौर से ये बता रहे थे कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन चला है इसका असर आपको बाद में भी दिखेगा, और निश्चित तौर पर ये ऐसे आंदोलन कर आपके लिए और देश के लिए और विश्व के ऐसे आंदोलन पर विचार करने की जरूरत है। कैमरा सन रसीद और हेमंत साथ मान, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।